बड़ी खबर का रुख करते हैं अजमेर के किशनगढ़ से। बड़ी खबर है, किशनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चलते ट्रक से टकराई कार और कार सवार चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात की घटना बताई गई है। राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल के मोर्चरी में शवों को रखवाया गया है। रामनेर पुलिया के पास की घटना बताई गई और गांधीनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं सुबह सुबह। दरअसल चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार सवार ये चार लोग थे जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। कार में सवारी कर रहे थे जो ट्रक से टकरा गई। किशनगढ़ के अंदर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। देर रात की घटना बताई गई है। इसके बाद राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल के मोर्चरी में शवों को रखवाया गया है। रामनेर पुलिया के पास की यह घटना और गांधीनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, स्विफ्ट डिजायर कार है जो आगे से लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रक के साथ इस कार की टक्कर हुई और इस कार के अंदर चार लोगों की मौत हो गई। कार आगे से पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त, जो बताता है कि टक्कर बेहद खतरनाक रही, लेकिन वजह लापरवाही रही, रफ्तार रही या फिर कोहरा रहा। वजह जो भी रही हो, लेकिन सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एक गलती, एक लापरवाही जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। अब जरा तस्वीरों को ही देख लीजिए। कार पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है और इसमें चार लोग जो बैठे थे उनकी सांसें थम चुकी है। चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हर दिन सुबह सुबह दुर्घटनाएं बताती हैं, ये हादसे बताते हैं कि हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। और वर्तमान हालात राजस्थान में ये कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक रफ्तार हो चली है। हर दिन दर्जन भर से ज्यादा लोग रफ्तार का, लापरवाही का शिकार होते हैं, उनकी जान चली जाती है, दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी कि आप अपना ख्याल रखें और अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो नियमों की पालना करें। एक मुहावरा है कि दुर्घटना से देरी भली। मेरे सहयोगी इंद्रजीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, जरा बताइए दुर्घटना किस तरीके से हुई, वजह क्या रही? बिल्कुल निश्चित तौर पर विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह की ये घटना रामनेर रोड की बताई जा रही है, जहां पर जो चलता जो ट्रक है उससे ये कार टकराई है और करीबन चार लोगों की मौके पर मौत हुई है। गांधीनगर थाना पुलिस भी फिलहाल जो है मौके पर पहुंचकर जो मृतक हैं उनके शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, लेकिन जो सभी जो ये दोस्त बताए जा रहे हैं अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, कोई पाली का है तो कोई दौसा और अलवर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है और परिजन भी अस्पताल पहुंचे, उसके बाद ही शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तेज रफ्तार भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। जी विजेंद्र, इंद्रजीत यही मेरा सवाल था। दरअसल अगर ट्रक आगे चल रहा था तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, वो लापरवाही और तेज रफ्तार जिसकी वजह से हादसा हुआ होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे विजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है और जिस तरह से कार के जो परखच छोड़े, बिल्कुल कार की भी रफ्तार तेज हो सकती है या लापरवाही ट्रक चालक की भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो है ट्रक चालक मौके से फरार है और पुलिस जो है ट्रक चालक की भी तलाश में जुटी है। जी।